मैंने हाइड्रोपोनिक के बारे में पहले यूट्यूब पे देखा था, क्योंकि मेरे मन में एक हमेशा यही जिज्ञासा रहती थी कि मैं कोई खेती बाड़ी के लिए कुछ नई चीज़ ढूंढ के लाऊं, जिसे हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा आसानी मिले और थोड़ा सा जो है अच्छा जो है यहाँ से आय कमा सके। तो हाइड्रोपोनिक के बारे में मेरे को आज से लगभग 2 साल पहले मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा, लेकिन फिर मेरे को पता लगा कि जो हाइड्रोपोनिक के अंदर जो भी सब्ज़ियाँ हम बना सकते हैं उसकी लागत बहुत कम आती है और कम स्पेस में हम ज़्यादा जो है इससे पैदावार ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि आज हम अपने दिन भर की भागदौड़ में ये भूल गए हैं कि आज हम क्या खा रहे हैं, हम कैसी सब्ज़ियाँ खा रहे हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी का, कैंसर का जो कारण है वो हमारी सब्ज़ियाँ भी उनमें से एक हैं, क्योंकि तरह तरह के पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं सब्ज़ियों में, हानिकारक कीटनाशक यूज़ किए जाते हैं। तो उन्हीं के चलते हुए जब मैंने हाइड्रोपोनिक के बारे में पता लगा कि हाइड्रोपोनिक के अंदर जो सब्ज़ियाँ हैं वो मिट्टी से ऊपर एक स्टैंड पे तैयार की जाती है, जिसके लिए हमें ज़्यादा बड़े स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इसमें क्योंकि ये जो है मिट्टी से ऊपर होती है, तो इसमें मिट्टी वाले कोई भी बीमारी आने का कोई खतरा नहीं बनता है। और जब इसमें कोई बीमारियां नहीं आती हैं तो हम किसी तरह के भी पेस्टिसाइड का इसमें यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके अंदर जो भी सब्ज़ियाँ पैदा होती है वो प्रॉपर पानी के अंदर पैदा होती है, इसमें 1% भी मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है। जो भी मिट्टी के अंदर हमारे 16 पोषक तत्व होते हैं जिसको पौधे को चाहिए होते हैं, उसमें से 3 जो पोषक तत्व होते हैं वो तो पौधा जो है अपना सूर्य की किरण से और ऑक्सीजन वगैरह प्राप्त करता है, लेकिन जो 13 पोषक तत्व होते हैं उसमें मैग्नीशियम है, सल्फेट है, कार्बन है, पोटाशियम है, मोनोमोनियम है, अपना क्या बोलते हैं कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, ये सारे के सारे जो 13 पोषक तत्व है वो हम लिक्विड फॉर्म में इनके पौधे के जो है टैंक में डालते हैं, और इस टैंक में से वही पानी जो है पौधों की जड़ों तक घूम के वापस टैंक के अंदर आता है। इससे हमारे पानी की भी जो है बचत होती है, केवल 10% पानी की लागत में ही हम यहाँ पे अच्छी पैदावार ले सकते हैं।